देखिए बच्चों, ये क्लास 10th का सेट 2 का पेपर है। देखिए बहुत ध्यान से, अब देखिए ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर है। टाइमिंग, टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। देखते हैं बच्चों इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये सेट 2 का सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इट इज बीइंग गिवन दैट द पॉइंट्स A(1,2), B(0,0) एंड C(A,B) आर कोलिनियर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन A एंड B इज ट्रू। हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं चारों। तो देखिए हमने क्या किया है, इसको x1 कंसिडर किया है, इसको y1 कंसिडर किया है, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। पॉइंट्स जब भी कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जीरो होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो होता है। हमने फॉर्मूला रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 x1। इसमें वैल्यूज पुट की, हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 2A = B। ये हमारा ऑप्शन B इज राइट। क्वेश्चन टू दिया है TP एंड TQ आर टेंजेंट्स। TP एंड TQ आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्किल विद सेंटर O। सेंटर O दिया है POQ। POQ इज 115 डिग्री एंड PTQ इज, वी हैव टू फाइंड आउट द PTQ। ओके, OP is perpendicular to TP, this is 90. OQ is perpendicular to this, this is also 90. देखिए OP is TP, 90 degree, OQ is 90 degree. In quadrilateral, the sum of all these is 360 degree. हमने यहाँ पे एंगल्स रखे, सारे एंगल्स रखे, 295 आ गया यहाँ पे, ये देखिए 360, आंसर इज 65 डिग्री। अब ऑप्शन D इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन 2 के साथ जो और वाला क्वेश्चन था हमारे पास, वो ये था कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। ये टेंजेंट है हमारी, इसकी लेंथ कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे बोला है डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर। क्यू की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए OP क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट से, वी हैव रिटन हियर। ओके, नाउ पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया है। देखिए 8 स्क्वायर 64, 5 स्क्वायर 25, वी गेट 39। OP स्क्वायर, देन OP will be square root of 39 centimeter. Option C is correct. Okay, question number 3. The mean and median of the distribution. Mean and median of the distribution is 14 and 15 respectively. The value of mode is. हमें empirical formula पता है. What is mode is equal to 3 median minus 2 mean. हमने median की value रखी 15, mean की value 14. 45 minus 28 we get 17. And our option B is correct. Now have a look on question number 4. The equation x square minus 8x plus k, ax square plus bx plus c is equal to 0. हमने कंपेयर किया इसे, a की वैल्यू 1 है, b की -8 है, c की ये है, और बोला है रूट्स जो है हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अगर जब रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं तो d हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac d की वैल्यू होती है। हमने यहाँ पे b की वैल्यू, a और c की वैल्यू पुट की। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट दिस, 4k इधर आ गया और देखिए 16. K is less than 16 and option D is correct. Question number 5. The first term of an AP is 5. A is 5. Last term is given 45. Sn is equal to n/2. A plus L. First term and last term वाला फॉर्मूला लगा दिया। Sn की जगह 400 रखा हमने, n/2 545 50 हो गया, 50n हो गया। हम यहाँ पे कट करते हैं इसको, देखिए ये n हमारा 16 आ गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए और में हमारे पास क्या दिया है, द 9th टर्म ऑफ द AP इज -15 -11 -7 49 इस। A हमने निकाला, D हमने कैलकुलेट किया, 4 आ गया। इसके बाद हमने फर्स्ट टर्म ऐसे ऐड करते चले गए। फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म से 9 टर्म इज 17। ओके, आर ऑप्शन सी इज करेक्ट। The number of zeros of a polynomial px, y is equal to px is given. अब फिगर हमें ये दिया हुआ है, इस फिगर में हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे x पे कट कर रहा है, x एक्सिस पे ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, एंड ऑप्शन A इज करेक्ट। A इज इक्वल टू 3। एक बैग है, बैग में 3 रेड 5 ब्लैक एंड 7 व्हाइट बॉल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, सम ऑफ all 3 15. ओके, हमसे बोला a ball is drawn from the bag at random, the probability that the ball drawn is not black. black नहीं होनी चाहिए, तो black को subtract कर दें, कितना हो जाएगा, 3 और 7 मतलब यानी 10 हो गया, 10/15. ओके, तो 2/3 आर आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच कॉस थीटा डिग्री प्लस थीटा साइन 30 इज दिस। हमने इसको cos 90 minus 30 कर लिया, 90 minus cos cos कैंसिल हो गया, 10 plus थीटा 90 minus 30 वी गेट फ्रॉम हेयर थीटा इज 50। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ द मिड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9 में P दिया है, दिस वन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखिए फिगर में हमने बनाया हुआ है ये हमारा मिड पॉइंट है, ये 4,6, ये -5,2, x1 प्लस x2, दिस इज आर x1 पॉइंट एंड दिस इज आर x2 पॉइंट, ठीक है, इज इक्वल टू a बाई 8 हमने यहाँ पे रखा है. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट a इज इक्वल टू -4. ऑप्शन a इज करेक्ट. Now question number 10, the pair of equation x equal to 0 and x equal to -4. ओके, देखिए हमारे पास ये x एक्सेस है, दिस इज आर y एक्सेस. y एक्सेस पे x क्या होता है, 0 ये होता है, और ये x इक्वल टू -1, x -2, x -4 ये होता है. तो these both lines are parallel. ये लाइन हमारी कैसी है, पैरलर है. तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन. आर ऑप्शन बी इज करेक्ट. देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, फ्रॉम 11 to 50 द डिस्टेंस बिटवीन, ओके वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा माइनस बी. इसको हमने x1 कंसिडर किया, इसको y1, इसको x2, इसको y2 कंसिडर किया. हम डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. इसमें हमने वैल्यूज पुट की हैं और देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व किया इसको, ठीक है. आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पे फिर स्क्वायर रूट 4 2 आ गया है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 10a हमें दिया हुआ है, 2 sin a cos a. तो 10a इज इक्वल टू क्या होता है, 1, a इज इक्वल टू 45 आ जाएगा. 10 45 की वैल्यू होती है तो a कंपेयर किया, a 45 आ गया. sin 45 cos 45 वैल्यूज रखी, दिस विल गिव यू 1. ओके, इसका आंसर 1 आ गया. 2 प्लस रूट 5 अब बाई 3 इज इर्रेशनल नंबर, ये हमारा इर्रेशनल नंबर होता है. अब देखिए स्फेरिकल मेटल बॉल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर 4/3 πr³. तो यहाँ पे 8 हमारा ये हो गया, तो ये देखिए 4/3 π 8 की जगह हमने r की जगह पे 8 रखा. बोला इस मेल्टेड, उसको पिघलाया गया है में 8 स्मॉलर आइडेंटिकल बॉल, उसी के जैसे आइडेंटिकल बॉल्स. तो 8 से मल्टीप्लाई किया, 4/3 πr³ रखा हमने. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए अब दिया है लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एफ द एरियाज रिस्पेक्टिवली 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. इफ ई एफ इज दिस लेंथ ऑफ साइड बी सी, तो देखिए फॉर्मूला हमें पता है, बी सी अपॉन ई एफ किया, 9/12 किया, यहाँ से बी सी फाइंड आउट किया, बी सी विल बी 18 सेंटीमीटर. नाउ आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस विल बी डेसिमल, ये देखिए यहाँ पे टर्मिनेट 7 डेसिमल. ग्रेटेस्ट पावर को देखते हैं, 7 है 7. SCF एंड LCM ये मैंने पिछले वीडियोज़ में बनाए थे, ये क्वेश्चन आया है. बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे. और ये देखिए हमने सॉल्व किया, A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM. LCM निकाला हमने, 480 आ गया. इस क्वेश्चन को देखिए, ए बी एंड ए सी, यहाँ पे देखिए सी एक्सटर्नल पॉइंट है, ए सी इज इक्वल टू सी डी, ए सी सी डी के इक्वल है, एंड सी बी इज इक्वल टू सी डी, सी बी इज इक्वल टू सी डी. अगर ये पूरा हिस्सा हमें 8 दिया है, हमने इसको ए करेंगे तो 8 - a हो गया, तो a इज इक्वल टू 8 - a. इसी से हमने सॉल्व किया इसको, a इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास, ठीक है. अब देखिए 2 ये 4 आ गया, a इज इक्वल टू 8 - a 4 आ गया. अब देखिए 2 डाइज आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग टॉप. भाई डाइज में 2 6 6 करेंगे तो 12 ही आएगा, 13 नहीं आता, इसलिए 0 होगी प्रोबेबिलिटी. अच्छा, अब देखिए अ टाइटली स्ट्रेच्ड रोप है, ये रोप है टाइटली स्ट्रेच्ड वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. h हमें निकालना है, द एंगल मेड बाय द रोप इज 30 डिग्री. तो sin 30 PBP अपॉन HHB, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर कितना है, h है, हाइपोटेनस कितना है 20, हमने रखा है यहाँ पे h इज 10 सेंटीमीटर. ओके बच्चों, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए पॉज करके. थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल.